बहुत ही व्यू भी अच्छा है, बट डेंजर भी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो फॉल चल रही है यहाँ। और ये हमने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये ना स्नो मिलेगी हमको। गए नीचे यहाँ पर पेंगोंग लेक के पास, और हवा चल रही है बहुत ही तगड़ी वाली, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरफ जो दिख रहा है वो वाइट है, इधर ग्रीन है, और वो सामने डार्क दिख रहा है वो ब्लू है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ शक्ति जो विलेज था रात को मैंने आपको दिखाया था, और बहुत सारा ढूंढने के बाद मेरे को ये ढाबा मिला, और वहाँ पर हमने खाना खाया और उनको बोला कि भी हमको टेंट लगाने की जगह चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर हमको टेंट लगाने की जगह दी। तो एक हम मैंने यहाँ लगा दिया और वो दोनों ने वहाँ लगा दिया। सो ये देखो ऐसा निकल रही है हमारी रातें, और टेंट में सोने की मज़ा ही अलग है, बट यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप बैग का व्यू देख पा रहे हो। रात को थोड़ा सा बारिश भी हुआ था, अभी पता नहीं ऊपर कैसा मौसम मिलेगा, अगर ऊपर बारिश होगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सो देखते हैं, और यहाँ से जल्दी निकलना, नहीं तो वाटर क्रॉसिंग वापस बढ़ जाएगी, तो वापस एक दिन मेरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं और पहुँचते हैं पेंगोंग लेक। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लगाए थे कैंप, और यहाँ से पैक कर दिया है। ये गति रेस्टोरेंट करके है, वहाँ पर हम रुके थे। ये आसपास का व्यू है, यहाँ पर अगर आप आते हो कभी रात को ऐसा लेट होता है तो यहाँ पर आप कैंप लग मतलब टेंट लगा के रह सकते हो। बाकी इनका बहुत ही अच्छा रहा, खाना भी अच्छा था, और बाकी स्टाफ भी अच्छा है इनका। सो कभी भी आते हो तो यहाँ पर रुक सकते हो आप। सेकंड चीज, और अपना पेंगोंग जो है वो 103 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, और हम पहुँच चुके थे कल 23 किलोमीटर ऊपर, पर वहाँ से वापस आना पड़ा क्योंकि आगे पानी बहुत ज़्यादा चल रहा था। सो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है कल वाला, तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी वीडियो पे बने रहे, पूरा वीडियो देखे, और आज हम पहुँचेंगे पेंगोंग। व्यू कितना अच्छा है यहाँ से, मॉर्निंग का व्यू तो बहुत ही सुपर लग रहा है भाई। पूरा शक्ति विलेज यहाँ का, ये रहा पूरा, कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से देखने पे। यहाँ देखो येलो फूल लगे हैं, कोई ग्रीन है, यार सुपर लग रहा है। ऐसा गांव हो तो क्या मजा आ जाए रहने का, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यार पूरा शक्ति गांव है। चलो चलते हैं ऊपर, ऊपर का भी व्यू देखना है। तो यहाँ से पूरा ये रोड वापस शुरू हो चुका है जो हमने कल दिखाया था वीडियो में, और ये समथिंग 12 से 15 किलोमीटर ऐसा है। ये एक दो गियर से ज्यादा चल ही नहीं रहा है बाइक यहाँ पर। हम जा रहे हैं बादलों के ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। कल यहाँ पर नहीं आ पाए थे, तो ये है पूरा रास्ता पेंगोंग जाने का। आगे तो आपको मैंने दिखाया कि कैसा रास्ता था ऑफ रोड, वहाँ रोड बनना बाकी है, शायद नेक्स्ट ईयर तक बन जाएगा। और यहाँ पर तो है थोड़ा सा, इसको भी डबल लेन करने वाले हैं, पर जिंगराल तक कर लिया उन्होंने डबल लेन, ये सिंगल लेन है। और ऊपर ठंड ज़्यादा ही पड़ने लगी है वापस। अभी का मेरा बाइक का टेम्परेचर जो है ना वो 15 दिखा रहा है। बहुत ही व्यू भी अच्छा है, बट डेंजर भी है ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है देखो, इसलिए हमने स्टार्ट कर लिया है। फॉग लैंप भी ऑन कर लेता हूँ मैं। यस, मैंने फॉग लैंप वाइट वाला ऑन किया, येलो, हाँ येलो ऑन करने हैं, दिखेंगे लोगों को, नहीं तो दिखेगा नहीं कुछ भी सामने वालों को। फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और जैसे कि आप देख पा रहे हो स्नोफॉल चल रही है यहाँ, और ये हमने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये ना स्नो मिलेगी हमको, यहाँ स्नोफॉल मिल रही है हमको, बाकी पूरे बाइक पे हो गई है स्नो। ये देखो बस, ये पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे लाइफ की पहली बार स्नो है यहाँ पर, मतलब मैं पहली बार स्नोफॉल देख रहा हूँ। स्नो मैंने देखी थी पहले भी, मनाली गया था तब, पर स्नोफॉल पहली बार देख रहा हूँ। हो, सिटी मुँह पे आ रही है, बाकी व्यू देखो आप पीछे का। ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा स्नो आ रही है, और अभी हम है 17,586 किलोमीटर के ऊपर, किलोमीटर नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं, सो अभी हम है 17,586 फीट ऊपर, सो ये देख पा रहे हो आप, बाकी ये है यहाँ का, हम खरदुंग लगे थे उससे तो थोड़ा सा नीचे ही है 500 फीट, बट यहाँ पर स्नो मिली हमें। हो ये देखो पूरा हालत ख़राब है, बाकी यहाँ का व्यू, ये स्तूप बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्नो पूरा, कोई पब्लिक खड़ी नहीं है, मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। यहाँ का व्यू देखो आप भाई साहब, क्या व्यू है, ओ माय गॉड। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर, आप चैनल पर सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे मौसम में मैं घूमूंगा आपको और आपको दिखा पाऊंगा। सो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। बाकी यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखने का यही चीज़ है, बाकी अब जाएंगे सीधे पेंगोंग पहुँचेंगे, और देखो यहाँ का स्नोफॉल का मौसम, आप मैं आपको सिनेमेटिक व्यू भी यहाँ का दिखा दूंगा थोड़ा सा। हो और सीधे अंदर चलते हैं, मैंने वहाँ पर मैगी खाई पहले आते ही, थोड़े हाथ गर्म किए मैगी से ही, चाय पकड़ी ऐसे, सो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मुझे पता नहीं इंडियन आर्मी वाले कैसे रह लेते होंगे यहाँ पर, बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना, क्योंकि इस लेवल पे ऑक्सीजन भी कम होता है, और यहाँ का वेदर इतना ठंडा होता है माइनस में, फ़िलहाल अभी माइनस है 1-2 माइनस होगा, -1-2, और बाकी यहाँ का व्यू है, एक ही यहाँ पर रेस्टोरेंट कहो या कैफ़े कहो जो भी है एक ही है, सो यहाँ लिखा है चांगला कैफ़े कैफेरिया, बाकी हम भी यहाँ पर अपना स्टिकर लगाएंगे क्योंकि इतने ऊपर आए और स्नोफॉल भी मिली है तो स्टिकर लगाना तो बनता है एक, बाकी हमारे बाइक्स देख लो आप, यहाँ तक पहुँच गया उसके लिए बहुत ही थैंक यू, और बाकी तीन बुरे बाइक का व्यू ये देखो, स्नो ही स्नो है भाई साहब, ये देखो। सो यहाँ का आपको कैफ़े दिखाता हूँ, चांगला कैफ़े करके है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खुद के स्टिकर लगाए यहाँ पर पहुँचने के बाद, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ और मेरा भी खुद का एक स्टिकर लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और ये देखो यू, ये एक ही है, यहाँ पर गर्म चाय वगैरह सब मिल जाएगा आपको, कॉफ़ी मैगी सूप एनी काइंड ऑफ, जो भी ठंडी से बचने के लायक है वो सब। भाई चिराग भाई क्या हालत है, बहुत स्नो पड़ रहा है यार, बहुत स्नो पड़ रहा है भाई साहब, बाकी ये देख लो आप,
बहुत सारे लोगों ने स्टिकर लगाए यहाँ पर और हमने पूरा सामान यहाँ बिखर के रखा है और अपना कॉपी चल रहा है यहाँ पर। सो भैया बता रहे हैं यहाँ पर कि जून एंडिंग में यहाँ स्नोफॉल नहीं मिलता, सो इसी बार मिला है। तो बहुत सालों के बाद इस बार स्नोफॉल हुआ है जून एंडिंग में। बाकी मैंने स्नोफॉल तो आपको दिखाई दिया है और ये सब देखो, सबने खुद के प्यार भरे मैसेज लिखे यहाँ पर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसा बहुत अच्छा है। चलो सर, थैंक यू, आपने मेरे को चार्ज करने के लिए दिया था, मिलते हैं। तो ये है चांगला पास और यहाँ का व्यू, बाकी आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पर पहले पब्लिक नहीं थी, अभी यहाँ पर गाड़ियाँ आई है, वो सब पेंगोंग से निकल के यहाँ आ रहे हैं। ये है मेन यहाँ का जो बोलते हैं चांगला पास का, और वो जो मैंने दिखाया एक ही कैफ़े है, और कोई कैफ़े नहीं है। बाकी ये सब फौजियों का बाइक, फौजी बाइक का है ये सब। जैन सर, बाकी बोल रहे थोड़ा सा आगे रोड अच्छा है। देखो स्नो ही स्नो है यहाँ भाई, और स्नोफॉल भी मिल गई। अपना सपना था स्नोफॉल देखने का, कभी पूरा हो गया। वैसे झुंझुनू होती नहीं है यहाँ पर, मना कर रहे थे पर पता नहीं ऐसे हो गई स्नो यहाँ पर। सर जय हिंद। यहाँ का स्नो ही स्नो है, अभी नीचे उतरना है, थोड़ा सा संभव समझ के उतरेंगे और आगे पेंगोंग पे पहुँचना है आपने को। पेंगोंग पता नहीं कितना 2 किलोमीटर है, यहाँ पर मैप नहीं चल रहा और मैंने वहाँ पर पूछा भी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। पत्थर ही पत्थर है। सो यहाँ से शुरू हो रही है पेंगोंग लेक, और जैसे आप देख पा रहे हो सामने ये रहा, बाकी चलते हैं सीधे पेंगोंग के पर तरफ, और जहाँ 3 इडियट मूवी का शूट हुआ था उस तरफ दिखाता हूँ आपको वहाँ का व्यू। पूरा वीडियो देखना कंटिन्यू, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा और पेंगोंग लेक कहाँ निकल गया और कैसे मैं आया हूँ यहाँ पर, वो सब। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पेंगोंग लेक के एग्जिट सामने एक रूम रख लिया है, वो बहुत ही सस्ते में मिला है, ज़्यादा नहीं है कॉस्ट जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, और ये की बिस्तर यहाँ लगा देगा। हम 3 लोग मिलके 1000 में रह रहे हैं, तो सस्ता ही है। बाकी यहाँ से व्यू दिख रहा है पेंगोंग लेक का, फ्रेंड्स अभी हम आ गए नीचे यहाँ पर पेंगोंग लेक के पास, और हवा चल रही है बहुत ही तगड़ी वाली और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। बाकी यहाँ का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ, और वो जो 3 इडियट वाले चेयर और वो थी ना, वो तो यहाँ पर बहुत सारी पड़ी है यार। मैंने ये सोचा था एक ही होगी, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा फ़ोटो खिंचवाने के लिए, भाई यहाँ पर तो बहुत सारी है। यहाँ पर कुछ पैसे लेते हैं, कुछ 50 रुपीज़ पर पर्सन पिक्चर के लिए, एक पिक्चर का 50 रुपीज़। सो यहाँ का व्यू देखो और इन्जॉय करो। बाकी यहाँ पर होटल्स इतनी महंगी नहीं है, अगर आप फिर फैसिलिटी लेने जाओगे 5 स्टार जैसी तो महंगा मिलना ही है। बाकी अगर हम 3 लोग थे और हमको होटल मिल गई 1000 रुपीज़ में, और जैसे मैंने आपको पहले भी दिखा दी होटल, वही वाली होटल, क्योंकि वो बंदा सामने खड़ा था इसलिए मैं प्राइस नहीं बोला, बट समथिंग इतने में आपको मिल जाती है। तो मैं यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ आपको। सो ये है सामने का व्यू,
और यहाँ का पानी बार बार कलर चेंज करता रहता है। बाकी मैं जब आया था यहाँ पर ग्रीन एंड उस तरफ के पार्ट में ब्लू था, अभी यहाँ वाइट दिख रहा है, बीच में ग्रीन है, उस तरफ ब्लू है। सो कलर तो बार बार चेंज होते रहते हैं। और मैं आपको यहाँ की वो चेयर और वो सब दिखा देता हूँ। और भाई लोग बहुत सारे लोग नीचे गए हैं यार, चलो हम भी चलेंगे नीचे। सामने डार्क दिख रहा है वो ब्लू है। सो बार बार कलर चेंज होते रहते हैं। मॉर्निंग में कुछ अलग कलर रहता है और इवनिंग में कुछ अलग रहता है, आफ्टरनून में भी कुछ अलग होता है। आफ्टरनून का देखा नहीं, अभी इवनिंग का देख रहे हैं, मॉर्निंग का कल सुबह देख लेंगे। बाकी यहाँ का व्यू भाई साहब बहुत अच्छा है। और ये 3 इडियट वाले स्कूटर अपने और ये चेयर, तो हम खिंचवाएंगे यहाँ फोटो भी। बाकी नीचे का व्यू आपको दिखाता हूँ, आ जाओ साथ में। और ये पूरा खारा पानी है इतने ऊपर के पार्ट में, मतलब सबसे वर्ल्ड में सबसे ऊपर यही है जो इतना बड़ा और खारा पानी है यहाँ पर। तो दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू नीचे से नज़दीक से। भाई साहब क्या बोलूँ मैं आपको, कोई वर्ड्स नहीं है यहाँ का व्यू देखने के लिए यार, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। बाकी मैं आपको यहाँ का भी दिखा देता हूँ, पूरा पानी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का। वहाँ पर रेनबो दिख रहा है, और यहाँ से इतना ग्रीन दिख रहा है पानी और इस तरफ वाइट। सो फ्रेंड्स अभी मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पर जहाँ पर वो 3 इडियट मूवी की शूट हुए था, और मेन जगह है क्योंकि वहाँ जो हमने ऑटो रखी है वो थोड़ा सा उस साइड है, मतलब पहले आता है आते हुए, और इसके बाद यहाँ पर जो मेन जगह है वो यहाँ पर है। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ भाई साहब, बहुत ही सुपर व्यू है, कोई वर्ड्स नहीं इस व्यू के लिए सीरियसली। बाकी आप नज़ारे देखो यहाँ के भाई साहब, एक नंबर नज़ारे है। सो ये है वो जगह जहाँ पर शूट हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू आसपास का। अभी चलते हैं यहाँ से, और वो तो बंदे पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ पर दिख नहीं रहे, वहाँ पर दिख नहीं रहे। सो चलो कोई नहीं, मेरा यहाँ का व्लॉग हो गया है। और इसके जहाँ पर अभी हम हैं उसके सामने भी बहुत सारी होटल्स हैं, तो आप वहाँ पर भी रूम बुक कर सकते हो। बाकी यहाँ का ये व्यू है, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, मौसम ख़राब है इसकी वजह से। वो सामने जो आप आपको नजदीक से भी दिखा दूँगा एक बार, वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में जो आया वहीं पर कर लो। बट हमने फर्स्ट में इसलिए किया क्योंकि हमको थोड़ा कम प्राइस में चाहिए था। अगर आपको प्राइस का कोई इशू नहीं है तो कोई इशू नहीं है अपने पे सब जो भी है वो इशू पे, वो भी कौन से इशू, प्राइस के इशू। बाकी प्राइस का इशू ख़त्म तो बाकी सब इशू ख़त्म। बाकी